हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। सीरियल लीग का मैच हो रहा है भाई। मैंने आपको बोला था कि मेरे को ना एक्चुअली मैं 20 तारीख तक कोई रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियो डालता हूं, वैसे मेरी एक हार्डली एक भी वीडियो मिस नहीं होती। लेकिन अब क्या क्या है कि ड्यू टू सम वर्क, कोई इशू है ऐसा, या इशू नहीं है, काम है भाई, इशू नहीं, कोई ऐसा पर्सनल काम है जो भाई अभी मैं 20 तारीख तक रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। मेरी बीच बीच में वीडियो जब आती है, जब मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। आज का दिन भी बहुत खूब जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैचेस चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि भाई अगले मैचेस में भी ज़ोरदार हिटिंग करने वाले हम लोग। तो इंटर मिलन एंड यूडिनेस की बात करें तो यहाँ पर इंटर मिलन और यूडिनेस के बहुत बार मैच हुए हैं, जिसमें इंटर मिलन टीम तब से लेके अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले भी स्ट्रांग थी, अभी भी स्ट्रांग है। तो इंटर मिलन का मुकाबला यूडिनेस से मैं कहता हूँ बनता ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इंटर मिलन का गेम प्ले चल रहा है और यूडिनेस उसके आसपास भी नहीं है। सो आई एम रेयरली नहीं कह रहा भाई, मैं प्रॉपर फोकस करी है मैंने एनालाइज में, और क्लियरली मुझे एक ही उत्तर मिला है, एक ही आंसर मिला है, जो ये था कि इंटर मिलन को फेवर करो और जीतो। बस आपका कप्तान, आपका वाइस कप्तान अच्छा होना चाहिए, और क्लीन शीट मैटर यहाँ पर करेगी कि नहीं ये हमें मैच में पता चलेगा। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, एल मार्टिनेज को जरूर लेना है। सिलेक्शन बेसिस पे प्लेयर उठाओगे तो टीम नहीं बना पाओगे। ये दिखने में 24% है, लेकिन मुंह पे कह रहा हूँ ये हर बंदे की टीम में होगा। तो ऐसे सिलेक्शन देख के टीम बनाओगे तो आप बना नहीं पाओगे, तो सिलेक्शन मत देखना। मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है। एंड थुरम की बात करें, देखिए थुरम कभी कभी चलता है, बहुत रेयर, मतलब आप ये लगा लो जिस दिन आप थुरम को ले लोगे हो सकता है कि भाई ना भी चले, क्योंकि इसका 50% चांसेस रहते हैं। 50% कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगा, 50% मुझे कभी लगता है कि नहीं चलेगा। तो थोड़ा रिस्की है तो मैं लूंगा इसको, रिस्क तो मैं लेता। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें तो उनका प्लेयर है लुका ने भी हाल ही में कुछ खास किया नहीं। हाँ, एक गोल किया था हाल ही में पिछले मैच में, बट मैं उसको देखते तो नहीं लूंगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें तो हैकन कैलेनोग्लू पिछले मैच के अंदर जोरदार नेपोली को गोल 4 दिसंबर को, इसी महीने कुछ ही दिन पहले। और निको बेरला की बात करें, देखिए निको बेरला ने उस मैच में गोल तो किया, बट इट्स अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हेनरिक मैक्टीरियन की जगह पर निको बेरला को दोबारा लेना पुराने दिनों की याद दिलाता है, क्योंकि पहले हम निको बेरला को छोड़ते नहीं थे, और जबकि फ्रेटेसी खेलता तो शायद मैं उसको लेता भी ना, क्योंकि मेरा डी फ्रेटेसी से अलग टाइप का प्लेयर है भाई ये। बहुत ज़्यादा मैं इसको मानता हूँ कि हाँ भाई ये है खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। बाकी अब क्या करें, बेरला लेना पड़ेगा, उसका पता नहीं ना खेलेगा कि नहीं। एंड इनकी बात करें तो रॉबर्टो परेरा ने तो अपने हाथ ही खड़े कर लिए भाई, बिल्कुल ही। तो चल तो रानी, तो थॉविन को यहाँ पर मैं लूँगा, ठीक है। थॉविन के बाद लज्जार को मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं इसको एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ, और आज नहीं, मैं शुरू से ट्राई कर रहा हूँ, बीच में कभी ना कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगा, लेकिन ठीक है, टीम फ्लॉप है, प्लेयर फ्लॉप हो रहा है, लेकिन पूरी गलती इसकी थोड़ना है यार, डिवाइड करो ना सब में गलतियाँ जो भी है। एंड बात करें यहाँ पे डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर लेंगे दिमार्को को, ठीक है। दिमार्को एक टाइम पे मिडफील्डर भी रह चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। एंड एसआरबी की बात करें तो मैं यहाँ पर एसआरबी के साथ जाऊँगा, क्योंकि मैंने डैरमेन को यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि आई एम गोइंग विद ए बेस्ट टोनी, ठीक है। ये मेरा आज पर्सनल थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर नहीं खेलेगा तो भी मैं सोच रहा हूँ कि फिर मैं बी पवार्ड या एस जे ब्रिज को लूँ, क्योंकि इनकी डिफेंडिंग बहुत फिट है, इनकी डिफेंडिंग बहुत अच्छी है, ज़्यादा कोई ज़्यादा कचरा नहीं है। मेरे को पता है लिमिटेड प्लेयर ही खिलाते हैं इनका, अगर मुझे इतना पता है, अगर इन्होंने बेस्टोनी को नहीं खिलाया तो ये डैरमेन को तो खिलाएंगे ही, लेकिन एस जे ब्रिज को भी खिलाएंगे, तो वो बाद में डिसाइड करेंगे। एंड बात करें गोलकीपिंग की, एम सिल्वेस्त्री एक प्लेयर जो हमारा बच गया है, ठीक है। अभी हमने 10 प्लेयर लिए हैं, जो एक प्लेयर आपने बढ़ाना है वो आप या तो देखिए यूडिनेस का कोई मिडफील्डर ले सकते हो, लाइक रॉबर्टो परेरा हो गया, लॉवरिक हो गया, वैलेस हो गया, ठीक है, जस्ट फॉर पॉइंट्स। और अगर नहीं रिस्क, अगर रिस्क लेने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं जे पिजोल को। तो जे पिजोल इतना खास तो मुझे लगता नहीं है, सो आई एम गोइंग विद वैलेस। एंड बात करें कप्तान की, कप्तान है मेरा एल मार्टिनेज, एंड वाइस कैप्टन है हैकन ओग्लू, और हैकन कैलेनोग्लू को यहाँ पर मैं लूँगा अपनी टीम में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।